आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मीनू अरोड़ा। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का नाम है हिमाचल प्रदेश सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2020। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1661 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये आवेदन पत्र मल्टीपल पोस्ट के लिए हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनो जूनियर इंजीनियर और भी बहुत सारी पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए एंड तक। इस वीडियो में, पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे आज जाके आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोटिफिकेशन का लिंक जो है अपलोड कर दूँगी। पूरी वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपसे डिमांड की गई है, कितनी फ़ीस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलरली मैं गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन जो है अपलोड करती रहती हूँ, आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। आप सबसे पहले मेरे नोटिफिकेशन को पाएं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर एक अपॉर्चुनिटी को टाइमली फिल कर पाएं और अपॉर्चुनिटी को ग्रेस्प कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन आया था 21 सितंबर 2020 को। रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होगा, यानी 26 सितंबर 2020 को से रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है आपका 25 अक्टूबर 2020। वैकेंसी आपकी 1661 है टोटल पोस्ट। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशंस हैं वैकेंसी का बाइफरकेशन। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1160 वैकेंसीज़ हैं, स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो आप अभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से और जाके टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ईच पोस्ट के लिए देखेंगे जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। वीडियो में आगे मैं प्रोसीड कर रही हूँ एलिजिबिलिटी की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2020 एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है कि आप 12th पास होने चाहिए, साथ में आपकी जो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेशन फायर ऑफिसर के लिए, तो आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए फायर डिग्री में नेशनल फायर सर्विस से, या फिर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स इंडिया से, न्यू दिल्ली से। अगर आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 12th पास होने चाहिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप टेक्नीशियन बॉयलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास बी क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए, तो आपके पास या तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए बीकॉम में, बीएससी में बीए विद इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, किसी भी एक स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए, तो आपके पास होना चाहिए 12th पास प्लस साथ में आपके पास होना चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपके पास 1 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है 12th पास के साथ। अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर इंजीनियर में, तो आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जेईई की पोस्ट के लिए। अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर कैमरामैन के लिए तो आपका मैट्रिक होना बहुत ज़रूरी है और साथ में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मोशन पिक्चर में या फिर वीडियो में, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो है 18 to 45 ईयर्स आपकी होनी चाहिए एज ऑन 1st 2020। नेक्स्ट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी क्या है सब पोस्ट के लिए। अगर आप अप्लाई करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए या फिर आप EWS से हैं तो 360 आपकी फ़ीस है फॉर एप्लीकेशन। अगर आप जनरल IRDP या फिर फिज़िकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं तो 120। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं 120। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई फ़ीस यहां पे नहीं है, आप विदाउट फीस जो है एप्लीकेशन जो है रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हम बात करें तो कैसे आप अप्लाई करेंगे इस पोस्ट के लिए। सबसे पहले आपको क्लिक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, उस क्लिक पे आप लिंक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे अपना यूज़र नेम एंड द ईमेल आईडी। आपके पास एक लॉगिन पेज आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स में आप सारी डिटेल्स फिल आउट करेंगे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड करेंगे, अपने सिग्नेचर एंड अपनी एक फ़ोटो, पेमेंट सबमिट करेंगे एंड फाइनली सेव करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फॉर द फ्यूचर रेफरेंस और प्रिंटआउट निकालेंगे। सबमिट करने से पहले आप एक बार ही पूरे पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, क्योंकि एक बार ही सबमिशन हो जाता है तो वापस मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होते एट एनी लेवल। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन लिंक कल 26th of September 2020 ऑनवर्ड्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल से मिल जाएगा, वहां से आप जाके फिल कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर्म तो आप जो है इन फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए रिसेप्शन काउंटर के, और एक ईमेल आईडी भी जो है मेंशन कर दिया, जिसको आप 10 AM से लेके 5 PM तक जो है कॉल करके कोई भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊँगी आपके लिए एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके। थैंक यू।